भारत आखिर अपनी ही जमीन में पड़ा हुआ तेल क्यों नहीं निकाल सकता है? फालतू में भारत बाहर से करोड़ों रुपए में पेट्रोल क्यों खरीदता है? और अमेरिका कैसे प्लास्टिक से हीरा बनाकर करोड़ रुपए कमा रहा है? और हरियाणा की फेमस सपना चौधरी क्यों होने वाली है जेल? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? और साल 2024 के इलेक्शन में कौन जीतेगा? क्या कांग्रेस का नया प्लान करेगा काम? और मुंबई में बच्चों को पढ़ाती है रोबोट टीचर, आखिर क्या है इसका माजरा? और कैसे प्यार हर दिन 30 भारतीयों की जान ले रहा है? और ड्रोन में कैद हुआ राजस्थान का गाय का कब्रिस्तान, आखिर इतनी सारी गाय कैसे मर गई? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार। भारत आखिर अपनी ही जमीन से तेल क्यों नहीं निकालता है? बढ़ते हुए पेट्रोल का भाव देखने के बाद हो सकता है ये ख्याल आपके भी मन में आया हो। तो भारत ऐसा क्यों नहीं करता है? क्या भारत की जमीन में तेल नहीं? देखा जाए तो भारत की जमीन में तेल होने का काफी ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद भी बहुत ही ज्यादा कम कंपनी ही भारत की जमीन में से तेल निकालती है, क्योंकि भारत की सरकार ये तो बता देती है कंपनी को कि तेल कहां पर हो सकता है, लेकिन उस तेल को निकालने के लिए कोई भी फंडिंग नहीं देती। और जमीन से तेल निकालना कोई सस्ता काम नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे और रिस्क लगता है। और बाहर की कोई कंपनी ट्राई नहीं करती, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पेपर वर्क है और काफी रूल रेगुलेशंस है जो कि उन कंपनी को दूर रखते हैं। जो भारत की जो सरकारी कंपनी है उनको भी काफी बड़ा लॉस हुआ, जिस वजह से वो भी यही रिस्क नहीं ले सकते। नंबर 11। हर साल पूरी दुनिया में 30 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा लोगों द्वारा फेंका जाता है और इसे रिसाइकिल करने का कोई भी ठोस उपाय हमारे पास नहीं था, लेकिन अब इन प्लास्टिक बॉटल और थैलियों की मदद से कीमती हीरे बनाए जाएंगे। यहाँ लेजर की मदद से अमेरिका की एक कंपनी ऐसा कर रही है। ये लोग प्लास्टिक से कीमती हीरों को बनाती है और ये बनाने का आइडिया उन्हें अंतरिक्ष के कुछ ग्रह से आया जो कि हीरों की बरसात करते हैं। और अब कुछ इस तरीके से अमेरिका प्लास्टिक का रिसाइकिल करने वाली है। हरियाणा की फेमस सपना चौधरी के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है अब उनको जेल हो सकती है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। दरअसल 2018 में इन्होंने एक शो करने के एडवांस रुपए लिए थे, लेकिन वो शो करने गई ही नहीं। उस शो के लिए हजारों लोगों ने टिकट खरीदी थी, लेकिन एंड टाइम पर सपना चौधरी वहां पर पहुंची ही नहीं। और कोर्ट में केस डालने के बाद भी उन्हें 3 बार कोर्ट में बुलाया गया, लेकिन एक भी बार वो नहीं गई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया है। और इसीलिए हो सकता है कि सपना चौधरी को अब जेल हो जाए। अब पहली बार जब उन्हें कोर्ट के लिए बुलाया गया तो उन्होंने पैसे देकर अपनी बेल करवा ली। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आज तक आपने कई प्रकार के टीचर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने रोबोट टीचर देखी है? नहीं तो इनसे मिलिए। इनका नाम है शालू मैडम। ये मुंबई के केंद्रीय विद्यालय में रोबोट टीचर है जो कि बच्चों को पढ़ाती है। और ये कोई नई बात नहीं है। चाइना, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन में कई सालों से रोबोट टीचर बच्चों को पढ़ाती है। साउथ कोरिया में तो ये 2013 से चलता आ रहा है और अब ये भारत में भी शुरू हो गया है। इस रोबोट टीचर के अंदर एक स्पीकर लगा हुआ है जो कि हिंदी, इंग्लिश और बाकी किसी भी भाषा में बच्चों को पढ़ा सकता है। इसी के साथ इसके अंदर AI लगा हुआ है जो कि बच्चों के पूछे गए सवालों के जवाब भी देता है। नंबर 8। आपने कई बार सुना होगा कि इस बीमारी की वजह से साल में भारत के इतने लोग मरते हैं, पर क्या आपको पता है प्यार की वजह से हर साल भारत में कितने लोग मरते हैं? अंदाजे से ये आंकड़ा 13,000 से भी ऊपर का है। 13,000 तो बस वही नंबर है जिसकी कंप्लेन हुई। इससे डबल या फिर उससे भी ज्यादा किस्से तो ऐसे होते हैं जिसमें कंप्लेन नहीं होती। और ये जो 13,000 का आंकड़ा है ये सारा मर्डर का आंकड़ा है। इसी के साथ 28,000 से भी ज्यादा लड़कियों को प्यार के मामले में हर साल उठा लिया जाता है। और याद रखिए ये भी वही आंकड़ा है जो बस रिकॉर्ड किया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो हर दिन प्यार की वजह से 30 भारतीय लोगों की मौत हो जाती है, फिर चाहे वो मर्डर हो या फिर सुसाइड। नंबर 7। 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, ये बात तो आप जानते होंगे। पिछले इलेक्शन में मोदी सरकार काफी बड़े मार्जिन से जीत गई थी और रिसेंटली कांग्रेस सरकार काफी ज्यादा अंदर से टूट चुकी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनके पास जीतने का कोई भी मौका नहीं बचा। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो कब चीजों को बदल दे इसका कोई भी भरोसा नहीं है। और हाल ही में कांग्रेस द्वारा एक मुहिम निकाली जाएगी जो पूरे भारत में निकाली जाएगी और उसमें हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम सुनी जाएगी। ये काफी ज्यादा स्मार्ट आइडिया है। वैसे आपके हिस्से कौन जीतेगा नीचे जरूर बताएं। नंबर 6। क्या एक औरत बाघ से लड़ सकती है? आपका जवाब शायद ना होगा, लेकिन अगर वो औरत एक माँ है तो फिर वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और ऐसा ही कुछ बांधवगढ़ के टाइगर रिजर्व के पास देखने को मिला, जहाँ से एक टाइगर बाहर निकल गया था और उसने एक बच्चे के सर को अपना शिकार बना लिया और उसे अपने पंजों में दबोच लिया। ऐसे में एक माँ अपने बच्चों के लिए उस बाघ से लड़ गई और अपने बच्चे को उस माँ में सच में बाघ के चंगुल से बाहर निकाल लिया और अपने बच्चे की जान बचा ली। इस बीच बच्चे और माँ दोनों को चोट आई, लेकिन किसी भी चोट जानलेवा नहीं थी और दोनों
दोनों बिल्कुल सही सलामत थे। नंबर 4, ड्रोन कैमरे से ली गई कुछ फुटेज सोशल मीडिया पर कुछ वक्त से लोगों को बहुत ज्यादा चौंका रही है। इस ड्रोन कैमरे में हजारों की तादाद में गाय मरी हुई दिख रही है। जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा, ये फुटेज राजस्थान की है जो कि गायों के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। बस राजस्थान ही नहीं, गुजरात और उसके आसपास के कई और इलाकों में भी लंपी वायरस करके बहुत ज्यादा तेजी से एक वायरस फैल रहा है जो कि सिर्फ मवेशियों को नुकसान पहुंचाता है, खासकर गाय को। और इसकी वजह से देखिए कितनी सारे गाय की मौत हो गई है। वैसे तो यहाँ के सीएम का कहना है कि ये सारे फोटो भ्रम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गाय दिख रही है वो सब लंपी वायरस द्वारा मरी हुई गाय नहीं है, बल्कि इसमें से तो कई कुदरती मौत से मरी हुई गाय है। दरअसल ये पूरा इलाका गाय के कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पर सच्चाई क्या है ये वही जानते हैं। नंबर 4, हर एक धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार करने का अलग प्रोसेस होता है। जैसे कि हिंदू धर्म में शव को जलाया जाता है, तो वही इस्लाम धर्म में शव को दफनाया जाता है। लेकिन पारसी लोगों द्वारा ना ही शव को जलाया जाता है ना ही उसे जमीन में दफनाया जाता है, बल्कि पारसी धर्म में शव को टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रखा जाता है, जो कि एक बड़ा सा पहाड़ है जिसके ऊपर शव को रखने की जगह दी गई है। और फिर शव को आसमान के हवाले कर दिया जाता है, जहां पर गिद्ध आकर इस शव को खा लेते हैं। पर कुछ वक्त से गिद्ध की गिरती हुई पॉपुलेशन की वजह से पारसी धर्म के लोगों के लिए अंतिम संस्कार करना मुश्किल होता जा रहा है। नंबर 3, आपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो तो देख ही लिया होगा। ये वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि तेलंगाना का है, जहां पर एक लड़का वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवाने से बच गया। आजकल के यूथ सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर उस पर व्यूज और लाइक्स पाने के लिए कुछ भी कर देती है। ये लड़का ट्रेन के बाजू में चलकर एक वीडियो बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस चक्कर में इसे ट्रेन की मार लग गई और इसे बहुत ज्यादा गंभीर चोट आई। किस्मत से इसे सर पर ज्यादा चोट नहीं लगी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन इसकी कई हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी है। नंबर 2, जब भी हम मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं तो हमेशा देखते हैं कि वो कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट हो। जैसे कि आप हमेशा मसाले अच्छी कंपनी के ही लेते होंगे, क्योंकि उसमें ट्रस्ट होता है कि ये हेल्थ के लिए भी अच्छे होंगे और टेस्ट के लिए भी। वैसा ही एक मसाला है मैगी मसाला। लोग इसे सब्जियों में डालना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया था जो कि फेक मैगी मसाला बनाते थे। इसके पैकेट को देखकर आपको समझ नहीं आएगा कि ये नकली है। इसका पैकेट पूरी तरीके से रियल जैसा होता है, और जिस जगह ये नकली मसाले मिले थे वहाँ पर ही बहुत सारा नकली घी भी था, और ये भी बड़ी कंपनी का था जैसे कि मदर डेयरी और पतंजलि, लेकिन ये भी पूरी तरीके से नकली था, बिल्कुल मसालों की तरह जो कि आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। नंबर 1, क्या कभी आपने सोचा है कि काश मैं कुछ ना करके भी पैसे कमा सकता? अगर हाँ आपने ऐसा सोचा है, तो ये जो व्यक्ति है ये आपके सपने को जी रहा है, क्योंकि सच में कुछ नहीं करके भी पैसे कमा रहा है। इसके पास एक ऐसी नौकरी है जो सबको चाहिए। इस नौकरी में लोग इसे पैसे देते हैं ताकि ये उन्हें कंपनी दे सके। ये उनके साथ घूमता है, बातचीत करता है, उन्हें जो भी करना होता है उसमें उनके साथ रहता है, और ये काम करके काफी ज्यादा पैसे कमाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। हमारे इस धाकड़ पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।